तो हम एक मात्रा में चार टुकु बोल रहे हैं, ओके। और एक टू पे स्वर जनरेट होता है, कू पे स्वर जनरेट होता है। तो एक मात्रा में आप आठ स्वर को जनरेट कर रहे हैं, या एक ही स्वर को आठ बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी जिस तरीके से बोलने में आपने अप्लाई किया, आप डायरेक्टली भी चार टुकु ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, या अगर नहीं होगा तो फिर आप उसको सेम बोलने की तरफ से स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। पहले सीधा डायरेक्टली अप्लाई करके देखते हैं। So, ये है उसका जनरेशन कि आपने उसको चार टुकु को क्रिएट कर लिया। नाउ इसमें आप पैटर्न क्रिएट करिए कि भाई एक स्वर को हमने टुकु 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 चार मात्रा देना है लेट से, ओके। तो 16 टुकु एक स्वर के हुए, उसके बाद आपको स्वर चेंज कर देना, ठीक है। तो इस पैटर्न के साथ इसमें आगे बढ़ना है, चार मात्रा देना, 4 बीट है ना। तो टुकु 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 टुकु, अभी सांस कहाँ लेंगे क्योंकि सब तो टुकु टुकु चल रहा है। तो जो चौथी मात्रा में चार टुकु 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 होता है, उसकी लास्ट जो दो टुकु है उसमें टुक करके आप सांस लीजिए। तो लास्ट जो सेकंड लास्ट थर्ड जो है उसका आधा बजेगा टुक, आधा में सांस लेंगे प्लस इसका पूरा में सांस लेंगे मिला के, देखिए। टुकु 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 टुकु। तो इतने से इतने में बहुत आराम से सांस आ जा सकता है। अगर एक बार नहीं लिया तो दूसरी बार में लेने में बहुत ज्यादा लगेगा, ओके। अगर आप रेगुलरली हर बार ले लेंगे तो बहुत कम सांस में और कम समय में हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। आपको बजाना है तो एक बार बजा के देखिए, ट्राई करके देखिए। जिसको भी डाउट है वो तुरंत बता दीजिए कि मैं बजाना चाहता हूं, तो समझ में आएगा। देखिए टुकु 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 बोल के देखिए। जो बिगिनिंग है ना, जो हर मात्रा का पहला टुकु, उसको थोड़ा वजन दीजिए। टुकु 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 टुकु। तो पता चलेगा कि ये बिगिनिंग है बीट का, और वो वजन बीट के साथ मिलना चाहिए। बीट बीट पे ध्यान से इसको जाए तो स्पीकर उस तरफ बीच में। वो जो हर बार जो शुरू हो रहा है वो बीट से ही शुरू होगा,
टुकु 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 टुकु। थोड़ा सा पीछे रह जा रहा है। हाँ, बजाने की कोशिश करिए, बीट पर आए इसी तरीके से। एक ही स्वर पे बजाइए, एक ही स्वर। थोड़ा ज्यादा एक ही जैसा सुना दे रहा है, टू का थोड़ा वजन दिखना चाहिए, वो कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए टू और टू में। लगना चाहिए कि चीजें वेरी हो रही है, टू में थोड़ा वजन लाइए। टुकु 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 टुकु। और जब बीट बज रहा है उसके ऊपर आने वाले टुकु, जो पहला टुकु है ना, उस पे वजन दीजिए। टुकु 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 टुकु। चार बीट दिखनी चाहिए। टुकु 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 टुकु। प्रॉपर दिखना चाहिए चार मात्रा। चार मात्रा, मात्रा बराबर काम करिए। दो मात्रा हुआ। दागा 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 दागा। ये चार मात्रा शुरू करेंगे, बीट पे शुरू करिए और गिनेंगे कैसे। रे 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 ये मानो कि ये एक बीट है, ये दूसरी बीट है। सो टुकु 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 टुकु, यहां से लेके दूसरी मात्रा आने तक उसके अंदर चार बार बजना चाहिए।
तगा 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 तगा, तो ये बीट है 1 2 3 4 तगा 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 चार मात्रा ये दो मात्रा हो ना, चार मात्रा, चौथी मात्रा पर स्वर को सांस लेके फिर नई मात्रा के साथ नए स्वर पे जाना है। ये दो हुआ, इसलिए चार, उसका और लंबा डबल का लंबा करिए, दो ही मात्रा हो ना। हाँ, वो जो आप रे जाएंगे उसके पहले जो हमने देखा था ना कि यहां पर टुकु टुकु टुक करके सांस लेके रह जाइए, अदरवाइज फिर जहां सांस लगेगा वो फिर बहुत बड़ा गैप पड़ जाएगा। जागा 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 टुकु 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 अच्छा, थोड़ा टेम्पो, थोड़ा हायर टेम्पो की तरफ चला जाता है, तो बीट पर एक कान, बीट पे एक कान आपका बांसुरी की, जागा 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 जागा, तो इसीलिए जो पहला टुकु है उस पर वजन देना है, मतलब टू पे, कू पे तो नहीं आएगा, टू पे वजन देना है ना, टुकु 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 टुकु, वो वजन और बीट मैच होना चाहिए। हम वजन इसीलिए दे रहे हैं कि भाई बीट के साथ वो मिला कि नहीं। टुकु 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 टुकु, देखो ये आगे चला गया।
चार जागे 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 चार चार मात्रा जागे 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 रे 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 यहाँ पे रह जाऊंगा अब ये एक मात्र होगा ना ऐसा और चार टाइम और खड़ा रहना सा के ऊपर अभी तीन मात्रा हो देगी सागा 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 अभी रे के ऊपर साथ तो इसमें क्या हो रहा है जो टेम्पो जो है थोड़ा सा स्लाइटली बीट से आगे है और वो जो पहला टुकु जो बीट पर आ रहा है चार में उसको थोड़ा वजन दीजिए मतलब ऐसा टुकु 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 तो वो आपको बताएगा कि हम बीट में चल रहे हैं या आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं उसके साथ डिसेंडिंग में उसको अप्लाई करिए वेरी गुड थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है बीटू पर मतलब अभी 99% बराबर है थोड़ा कभी कभी उससे आगे निकल जाता है और वो वजन से ही पता चलेगा आप जो जो वजन देंगे वो सिर्फ चार चारों मात्रा में जो सबसे पहले आ गए है उसको ही नहीं हर मात्रा में जो पहला है उस सबको देना है ना तो उससे वो वजन से वो चीजें बीट में रहती है तो अंग जी पाएगा इसमें थोड़ा वजन और दिखा सकते हैं वजन से आगे जाके ना क्या होगा कि आप वो वजन को दिखा पाएंगे तो उसी से पैटर्न क्रिएट होगा अभी जैसे मैं हर बार एक ही पहले वाले पे वजन दे रहा हूं उस वजन को मैं चेंज करूंगा तो उससे पैटर्न क्रिएट होगा तो वजन को देते आना चाहिए सो ड्यूरिंग उसकी वजह से आप थोड़े अलग अलग चीजों को कर सकते हैं वरना टंगिंग एक जैसा साउंड करेगा तो एक ही पैटर्न क्रिएट होगी हमसे वजन देंगे तो उससे अलग अलग जगह पे उसका पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं Thank you.
सागर 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 रे 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 डिसेंडिंग थोड़ा बोलने का प्रैक्टिस करना, बोलने से वो चीजें बराबर टेम्पो में जाएगा। टुगु 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 सिर्फ बोलने से, बोलने में जब आ जाएगा तो इसमें भी आ जाएगा। शॉर्टिंग करना है कि जिससे कि आप अलग अलग स्वरों में उसको तुरंत अप्लाई कर सके। अभी तो हमने एक स्वर को ही बहुत लंबा बजा दिया, ओके, बट प्रैक्टिकली जब ज्यादा बजता है तो ऐसा भी बजता है जो अभी हम बजा रहे थे, लेकिन लंबे समय तक नहीं बजता। उसके बाद आपका स्वरों में अदल बदल होना शुरू हो जाएगा, ओके। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए कि कोई भी एक अलंकार लेना है, उस अलंकार में पहले हर एक स्वर को चार डुकू देना, दैट इज एक मात्रा ही देना है, जागा 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 जागा, बस खत्म हो गया। उसी हिसाब से अगर आप चलेंगे, चलिए 1 2 3 स्टार्ट। सागर 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 रे 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 ग ग ग ग म म प तो अभी क्या हो रहा था कि ये चारों टुकू एक स्वर को मिल रहा था, दैट मीन्स पूरी एक मात्रा एक स्वर को मिल रहा था, ठीक है। अभी आप इसमें से दो ही टुकू एक स्वर को दीजिए, दूसरा दो टुकू दूसरा स्वर ले जाएगा, तो एक मात्रा में कितने स्वर आएंगे, दो। अभी देखिए, अभी ये होगा, पहले ऐसा था कि ये चारों पे सिर्फ सा ही बजाया हमने, ये इतना सा ही बजाया हमने, सागा 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 रे 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 इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे कि भाई इतने में सा दो टुकू सा को देना है, दो टुकू रे को देना है, तो वन बीट टाइम में कितना स्वर आया,
दो स्वर आया, तो अभी आपका स्वरों का जो बदलना है वो डबल में होगा, और हर स्वर को कितना मिलेगा, दो टुकु मिलेगा, 1 2 3 स्टार्ट। पारे गामा पदानी सा दग 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 फिर उसके बाद कि आप एक ही टुकु दीजिए एक स्वर को ऐसे, एक टुकु सा ए ग, तो एक मात्रा में कितने स्वर आएंगे, चार। एक मात्रा में चार टुकु थे, सभी टुकु पे एक ही स्वर आना चाहिए या एक स्वर में एक ही टुकु पढ़ना चाहिए। तो दूसरे टुकु आते आते आपका दूसरा स्वर, तीसरे टुकु पे तीसरा, चौथे टुकु पे चौथा, तो आपको चौगुन में स्वरों को चलाना पड़ेगा अगर एक स्वर पर एक टुकु की स्पीड चाहिए हमको। तो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा इजी कर देते हैं अलंकार। हम अलंकार लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। अभी 1 2 3 4 मतलब क्या होगा, अगर आप इसमें चलते हैं कि भाई एक स्वर को पूरी एक मात्रा दे दीजिए चारों टुकु, जागा 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 रे गे रे गे रे गे रे गे गा 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 मा 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 रे गे रे गे रे गे रे गे गा 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 मा 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 पा 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 गा 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 मा 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 पा 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 पा, इस तरीके से जाएगा। समझ में आया, 1 2 3 4 में जो कंटेंट है सभी को हमको चार टुकु देना, मतलब एक मात्रा पूरी देनी है। चलिए 1 2 3 4 समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, फाइन। देन उसी अलंकार में एक स्वर पे दो टुकु देंगे, तो अभी क्या होगा, सा रे ग म रे ग म प ग म प द म प द नी प द नी सा, सभी को दो दो टुकु मिलेगा। समझ में आ रहा है, अभी क्या पहले क्या हो रहा था, देखिए ग 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 चार टुकु गया, अभी वो चार में से दो ही आपको देना है एक स्वर को, दूसरे स्वर को दो देना है, ठीक है। लेकिन फ्रेज हमारा क्या बजना है, 1 2 3 4, मतलब स्वर जो एंट्री होंगे वो सारे गम के हिसाब से होंगे, उस सभी स्वरों को दो दो टुकु देना है आपको, और दो टुकु देने का मतलब ये भी होता है कि एक मात्रा में दो स्वर जाएंगे, है ना, सा रे ग म रे ग म प ग म प द म प द नी प द, प्रोग्रेशन हमारा इसके हिसाब से चल रहा है। अलंकार ये है 1 2 3 4 है, और उसमें एक स्वर पे दो टुकु, एक मात्रा में आपके दो स्वर जाएंगे इस तरीके। देखिए मैं सिंपल बजाता हूँ, ये 1 2 3 4 को मैंने डबल में बजाया,
अभी टंगिंग में एक मात्रा में चार टुकु दूंगा तो ये दो ले जाएगा, ये दो ले जाएगा, इस तरीके से। सारे गा मा टुकु 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 रे गा मा पा टुकु 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 गा मा पा दा टुकु 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 मा पा दा नी टुकु 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 पा दा नी सा टा 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 सा नी दा पा टुकु 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 नी दा पा मा टुकु 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 दा पा मा गा टुकु 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 पा मा गा रे टुकु 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 मा गा रे सा टुकु 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 टुकु। ओके, कोई ट्राई करेगा, कोई बजाइए। पामागारे तो थोड़ा सा पहले बिना टंगिंग के प्रैक्टिस करना, बिना टंगिंग के पहले अलंकार को बजाइए। फिर इसमें टंगिंग डालेंगे एक मात्रा में चार के हिसाब से और एक स्वर पे दो, एक मात्रा में चार एक स्वर पे दो, तो फिर वो कंबाइन होके उस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। ट्राई करिए। थोड़ा सा स्पीड स्लो कभी कभी लगा, बाकी कॉन्सेप्ट ठीक है उसी से। टेम्पो फिर इसी चीज में आ जाते हैं कि एक स्वर पर एक टुकु। ओके, तो आपके यहाँ पर फ्रेज में चार स्वर है सारे गमा, ये चारों स्वर आपके एक मात्रा में आ जाएंगे। सारे गमा रे गमा पा गमा पा दा मा पा दा नी पा दा नी सा। ओके, इसलिए 1 2 3 बोल लिया ताकि ये समझने में इजी रहे। तो जो सारे गम एक मात्रा में आप बजाएंगे या रेगम अपन गम अपन जो बजाएंगे वो सभी के ऊपर एक ही टुकु आएगा। टुकु 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 सारे
सारे ग म रे ग म प ग म प द म प द नि प द नि द सा नि द प नि द प म द प म ग प म ग म ग रे स सा रे ग म रे ग म प ग म प द म प द राघवेंद्र जी ये आप 1 2 3 बजा रहे हैं, सारे गामा हाँ टुकु 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 टुकु, एक सापे एक से थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसलिए वो खत्म हो जाता है, आते आते चारों खत्म हो जाते हैं। ये देखिए सिर्फ सारे गमा देखिए, करना है। अगर आपको एक स्वर पर चार टुकू, एक मात्रा में चार टुकू वाला सब कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इस अलंकार को लीजिए। इनफैक्ट ये सभी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 1 2 3 4 ये सभी चीजों को समझने के लिए 1 2 3 4 ज्यादा इजी है, इवन 1 भी इजी है, लेकिन 1 में शायद आपको इतना बजाने को नहीं मिलेगा। अगर आप 1 को चौगुने में बजाएंगे तो 2 मात्रा में खत्म हो जाएगा, सारे गा मा पा दा नी सा। तो यहां पर आपको कंटेंट मिलता है और बजाने के लिए, सो 1 2 3 4 हमने चूज किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी अलंकार में ये सब चीजें होती हैं, सभी अलंकार में होगी। 1 2 1 2 3 में भी होगा, तो 1 2 1 2 3 में आप हर स्वर को चार टुकू देंगे, सागा 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 रे गे रे गे रे गे रे गे सागा 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 रे गे 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 रे गे, इस तरीके से जाएगा। जब आप उसको डबल करेंगे मतलब एक मात्रा में 2 टुकू देंगे, देन सागा सागा रे गे रे गे सागा सागा रे गे रे गे 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 इस तरीके से जाएगा। और जब आप उसको एक टुकू देंगे इस तरीके से जाएगा। लेकिन समझने के लिए ये ज्यादा आपको इजी पड़ सकता है 1 2 3। और इसका ये भी है कि जो आप अगर ये वाला चूज करते हैं, इट इज एक मात्रा में 2 स्वर है ना, एक मात्रा में एक स्वर में 2 टुकू, तो पहले आपको उस अलंकार को डबल में बजाते आना चाहिए, सपाट में पहले वो बजना चाहिए। सपाट में नहीं बजेगा तो टंगिंग में तो कहाँ से बजेगा, वो तो उसका उसके ऊपर का लेयर है। फाइन, तो जो भी आप चूज करते हैं, अगर आप चूज करते हैं कि भाई आपको उनको एक स्वर पर एक टुकू प्रैक्टिस करना है, तो जो अलंकार में आपको बजाना है पहले उसको चौगुन में बजाते आना चाहिए, वो चौगुन में बजना चाहिए थ्रू आउट। फिर तो जब आप टंगिंग ऐड करेंगे तो सबके ऊपर एक एक टुकू गिरेगा। फाइन, तो ये सभी एक्चुअली वो टेम्पो का ही प्रैक्टिस है जो हम कल कर रहे थे ना, सिंगल डबल चौगुन। वो हो जाने के बाद मीन हो जाने के बाद, एक्चुअली मीन का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम मीन इसलिए रखते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसका काम तो थोड़ा सा ही 20% है आपके टोटल परफॉर्मेंस में, लेकिन आना चाहिए, इसके बगैर वो खत्म नहीं होगी ना। ये स्वीट्स है, अगर ये नहीं मिला तो लगेगा कि खाना खाया लेकिन पूरा नहीं हुआ। उसकी प्रैक्टिस सिस्टमेटिक क्या है कि पहले कोई एक टेम्पो लीजिए मिनिमम 60 BPM, उससे कम ले सकते हैं प्रैक्टिस में ले सकते, बजने में वो मिनिमम 60-65 BPM होना चाहिए। उस पर आप चार टुकू को जनरेट कर पाने चाहिए, है ना, 60 हो या 65 हो, वो चार टुकू जनरेट होने के बाद फिर आप उसको एक स्वर में या एक ही स्वर को पहले चारों मात्रा दे दीजिए, दैट इज 16 टुकू, है ना। फिर आप उस पर आइए कि भाई एक स्वर को चार टुकू देंगे, फिर आप कोई एक अलंकार लेके उसमें उसको बजाइए, फिर एक स्वर को 2 टुकू देंगे मतलब वो डबल में बजेगा अलंकार, है ना, फिर एक स्वर को एक ही टुकू देंगे मतलब वो अलंकार चौगुन में बजेगा। इस तरीके से इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको बस वो समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिस अगर करेंगे तो किस स्टेप्स के साथ करना है। तो आप जब झाला बजाएंगे तो ज़्यादातर तो यही चीज़ों में बजता है, मतलब एक स्वर पर एक से कहीं ज़्यादा टुकू होते हैं,
लेकिन जब वो एंडिंग की तरफ आता है तो ऑब्वियसली आप रोल में भी हमने देखा कि जैसे जैसे एंड करते हैं हमारा नंबर ऑफ नोट्स पर बीट बढ़ जाता है, डबल में चौगुन में बजाने लगते हैं। तो जब आप डबल या चौगुन में बजाओगे तो फिर ये कंडीशन में आ जाओगे, है ना। तो अगर आप झाला में चौगुन बजा रहे हो अलग अलग स्वरों में, तो वहां पर एक स्वर पर एक टुकू आएगा। मान लीजिए कि हम जो भोपाली कल बजा रहे थे, तो देखो सा को तीन मात्रा मिला। अभी यहाँ पर कोई खींचा था नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे जब एंडिंग की तरफ आएंगे तो ऐसे फ्रेजेस आएंगे, तो इसमें क्या आ रहा है, सा सारे दसा पद ग प रे ग सारे दसा प दसा, तो सारे टुकु 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 टुकु, तो अभी दो दो पर आ गए। अभी इसके ऊपर जाने के लिए मेरे पास इससे भी कम समय है, आधा समय है, तो उसमें मैं इससे डबल स्पीड में भागूंगा, सारे ग प दसा इस तरीके से। सारे का पद ऐसा टुकु 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 टुकु, अभी सबके एक टुकु आ गया, है टुकु 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 टुकु, सारे का पद ऐसा, क्योंकि चौगुन में हम आ गए। तो जब खत्म करने की तरफ जाते हैं तो वहां पर हम सीधा सीधा इस तरीके से आ जाते हैं इसके ऊपर। तो कोई भी अलंकार लीजिए, 1 2 3 4 लेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। जब समझ में आ जाए तो यू गो फॉर एनी अदर अलंकार, पौटुकू में बजाइए या साठ टू सा में बजाइए, लेकिन हमेशा मेट्रोनम के साथ बजाइए। ये बिना मेट्रोनम के स्पीड ये प्रैक्टिस ही नहीं होगा ना। कब ये आप अभी ऐसा होगा बिना मेट्रोनम के आप जब टुकु टुकु करेंगे एक स्वर को दो देंगे तो स्लो कर देंगे ना, फिर ये हो जाएगा कि शुरुआत में ये चल रहा है, फिर डबल यहाँ पे जब दो देना होगा तो वो 60 BPM या 40 BPM हो जाएगा, एक पे तो और ऐसा हो जाएगा। बीच का चार मिला के एक मात्रा होती है, तो बताइए कितना BPM होगा। तो ये मेट्रोनम के साथ ही होती है प्रैक्टिस, बिना मेट्रोनम के ये टंगिंग प्रैक्टिस नहीं होता। वो बोलने का प्रैक्टिस, एक्चुअली ये बजाना तो बाद में, ये बोलने का प्रैक्टिस, आप बोल पाने चाहिए और सांस ले पाने चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि आपने चार टुकू का पैनल बनाया, उसमें जो चौथा टुकू है उसमें आप इतने में सांस ले रहे हैं, देखिए एक टुक तो होगा, इतने में आप सांस ले रहे हैं चौथे में, है ना। पहला जाएगा टुकु 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 टुकु, दूसरा जाएगा टुकु 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 टुकु, तीसरा जाएगा टुकु 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 टुकु, चौथा में टुकु टुकु टुक, है ना। तो इतना बचा और इतना बचा, इतने में आपको सांस ले रहा। अगर नहीं लिया तो उसके बाद जब जहां पे भी सांस लेंगे डेफिनेटली टेम्पो तोड़ेंगे, है ना, या तो फिर ये पूरा चार टुकु उड़ जाएगा, इतना छोड़ना पड़ेगा। तो ये बोल के सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है। बोलने में भी टंग ट्विस्ट होगा शुरुआत में, है ना, 60 BPM में, तो उससे कम में करिए शुरुआत, आप कोई भी BPM से करिए, लेकिन जो बजाने का टेम्पो है जो मतलब परफॉर्मेंस में, वो मिनिमम 60 BPM का। आप 50 BPM से भी बोलने की और बजाने की शुरुआत कर सकते हैं, बजेगा वो 60-65 BPM में बजेगा। इसमें आपको दो प्रैक्टिस है, एक तो ये बोलने का प्रैक्टिस है ना, बोलने का प्रैक्टिस है, दूसरा ये जो हमने कन्वर्जन किया ना, इसका सपाट में बजाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। मेट्रोनम के तभी तो ये डबल चौगुन होगा ना, बिना मेट्रोनम के हम किसके डबल में कर रहे हैं या किसके चौगुन में कर रहे हैं, मेट्रोनम होगा तभी तो उसका रेफरेंस होगा। सो सपाट में पहले कोई भी अलंकार को आपको मध्य ले, सिंगल में, डबल में, चौगुन में, ये बजाते आना चाहिए, ठीक है। फिर टंगिंग को उसी टेम्पो में जनरेट करना है जिसमें आप बजाते हैं, एंड फिर उनको सिंक्रोनाइज करेंगे तभी भी प्रॉब्लम होगा, तभी भी इतना आसानी से नहीं हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वो फिर धीरे धीरे होना लगेगा उसमें, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस इतना इजी या इतना शॉर्ट नहीं जितना मैंने बता दिया, मैं तो अभी बता ही रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ाने के लिए तो इसको महीना लग चाहिए, बट इसका प्रैक्टिस का स्टेप्स इस तरीके से है ना। और शुरुआत में जितना इजी अलंकार लेंगे
आप देख पाएंगे कि ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो मैं जिस तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ उस तरीके से वो जा रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद आप बोर्ड अलंकारों में पढ़िए, 1 2 3 है या 1 2 1 2 3 है, उसमें पहले सब इसी टेम्पो में रखते। तो इसका टेम्पो मैं प्रैक्टिस में दे मतलब एडवाइस करता हूँ कि 50 से शुरू करिए एंड 70 तक का रखिए अभी टारगेट। प्रोफेशनली इसको 60 से 80 में बजाया जाता है। ओके, अभी इसका मतलब क्या हुआ बताइए कि 60 से 80 BPM जब आप झाला बजाते हैं, अभी वहीं पर अगर आप तबला के साथ बजा रहे हो है ना, तो इसका सीधा 4 गुना हो जाता है, तो ये क्या हो गया आपका 240 BPM। तो द्रुत में बचता है ना, क्योंकि 120 BPM तो हमारी मध्य लय है ना, तो इसका 60 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 60 BPM में, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, वो जितना टेम्पो है उस सब में यही लागू होता है। तो अभी तीन ताल में हम कोई कंपोजिशन शुरू करते हैं वो तो 120 BPM में थोड़ा झाला बजाना शुरू कर देंगे, ये तो कंपोजिशन शुरू हुई वहाँ पे। तो अभी हमारी वहाँ तो आपकी स्लाइडिंग सपाट यही सब काम होगा, वो बढ़ते बढ़ते वो मध्यलय की कंपोजिशन 120 स्थाई में होगा, तो अंतरा में जाके वो 150 होगा है ना, नीचे आके फिर से टेम्पो बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में, तो 160 180 में वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद नया ही कंपोजिशन बनाना पड़ेगा जो इस टेम्पो के आसपास होगा और फिर उसमें जाके झाला होगा, हम देखेंगे हम आज कंपोजिशन में। तो ये 60 पे पर आपने प्रैक्टिस किया है, तो कंपोजिशन को आप जब तीन ताल में या कोई भी ऐसा द्रुत ताल में कोई बजाएंगे तो आप 240 से लेके 360 BPM तक इसको आप बजा सकते हैं, ठीक है। इससे भी आगे जाते हैं लोग, लेकिन ये इतना तो चाहिए अगर आपको झाला विथ तबला दिखाना है। बट एक्चुअली ये एक ही बात है, इसमें कोई अलग नहीं कर रहे, आपने 60 BPM में झाला मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस किया है, तो आप 60 BPM में आप कितना 4 टुकू दे रहे हैं ना, वहाँ पर एक एक टुकू वहाँ पे एक एक मात्रा हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 वहाँ पे क्या होगा, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तीन तीन ता ता दिन दिन दा, तो वहाँ पे एक एक मात्रा पे एक एक टुकू आएगा, तो वो तो उस बात एक ही है उसमें। हाँ, चौकुट में हो जाएगा, तबला के साथ जो होता है तब वो एक मात्रा पे एक टुकू में आ जाता है उस तरीके से। हम जब खुद से झाला में बजाते हैं तो एक मात्रा में 4 टुकू के हिसाब से हम बजाते हैं। नहीं नहीं, स्पीड वही है, स्पीड वही है, आप यहाँ पे 4 को 1 गिन रहे हैं, वहाँ पे आप 1 को 1 गिनेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे गिन रहे हो 1। हाँ, क्योंकि तबला के साथ अगर आपने 60 BPM में तबला बजेगा तो विलंबित कंपोजिशन में चला जाएगा है ना, 60 BPM में तबला नहीं बजता, बजता है तो कि वो कंपोजिशन विलंबित में चला जाएगा। अगर आप डबल कर दीजिए 120 BPM, वो मध्यलय कंपोजिशन हमारे लिए है ना, तो फिर उसका डबल करिए 240 BPM, वो हमारे लिए द्रुत कंपोजिशन है, और झाला हमेशा द्रुत में बजता है, लास्ट में बजता है, इस वजह से हमको उसमें चाहिए। अभी कोई ताल जैसे मान लीजिए कि रूपक, ठीक है, वो 240 BPM नहीं जाता, वो 120 गया तो उसमें उसका द्रुत आ गया, वो 120 पे द्रुत जैसा ही फीलिंग देगा, तो वहाँ पर आपको एक मात्रा में 2 टुकू आएगा, उस हिसाब से वो लागू हो जाएगा है ना। उसकी शुरुआती टेम्पो जैसे मध्यलय में हम लेते हैं रूपक 80 BPM 85 BPM या 90 BPM मैक्सिमम शुरुआत में, फिर अंतरा जाएगा तो 110 BPM बढ़ गया 100 BPM है ना, फिर नीचे आएगा स्थाई में 110 BPM, फिर आपने और उसको बढ़ाया कि भाई मुझे अलग ताल में नहीं, मुझे इसी ताल में झाला बजा के खत्म करना है, तो 120 BPM 120 130 मैक्सिमम ना, वहाँ पे उसका खत्म हो गया, उससे ज़्यादा वो फास्ट नहीं भागता। तो उस हिसाब से आपको लगा लेना गणित कि भाई ये ताल कौन सी रेंज में पड़ेगा, 120 वाली रेंज में इसका द्रुत पड़ेगा या 240 वाली रेंज में इसका द्रुत पड़ेगा। हाँ हाँ करेक्ट, कम मात्रा होता है तो उसको आप नॉर्मल टेम्पो भी देंगे तो भी वो फास्ट सुनाई देता है या ऐसा लगता है कि फास्ट है, मात्रा तो उतना ही रहता है उसका। ओके, तो ये बचता है झाला में जो कि कंपोजिशन से पहले भी बचता है, और एक झाला में तान हम करते हैं, हर चीज जो कंपोजिशन से पहले बचती है ना वो हर चीज वापस कंपोजिशन के बाद भी बचती है। आलाप वहां पे बजाया यहाँ पे भी आलाप बचता है, उसको हम आलाप तान कहते हैं। जोर बजाया यहाँ पे भी जोर बचता है, हम उसको जोर तान कहते हैं। तो झाला जो बजेंगे वहां पे भी झाला बजेगा है ना, तो वहां पर आप बजाएंगे तो तबला के साथ बजेगा, यहाँ पर आप बजाएंगे तो सोलो बजेगा, मटेरियल सेम है, प्रैक्टिस भी सेम है सबका। फाइन, हाँ, रेफरेंस स्पीड में फर्क है, हाँ, आपका यहाँ पे 60 BPM है, वो 240 BPM, बात एक ही है इस तरीके से। ओके, शुभंकर जी आप कंफ्यूज लग रहे हैं। और कुछ पूछना किसी को इसमें? अच्छा, अभी झाला प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए अभी फिर से मेट्रोनोम लगा देते हैं, कहाँ गए वो टेम्पो, आपको जोड़ ही बजाना है पहले, जोड़ में जैसे फ्रेज हम बनाते थे उसी फ्रेज में आपको टंगिंग करना है। मान लीजिए कि हम 60 BPM लेते हैं, 65 ले लेते एक्चुअली, दबा
जोड़ क्या होता था देखिए, चार बात टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, ये देखिए सा सा द सा, जोर जो बजाया उसमें मुझे जहां एप्रोप्रिएट लगा वहां पे मैंने टंगिंग डाला, सा सा द सा टू टुकु टुकु टू टुकु टुकु टू टू, द सा को एजीडी रहने दो, सिर्फ सा में टंगिंग डाला। अभी कोई बोलेगा भाई नहीं सा को एजीडी रहने दो, द सा में टंगिंग डालो, वो भी हो सकता है। थ्री फोर सा सा टुकु 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 सा सा, तो झाला जो है वो जोड़ ही है, आप उसमें टंगिंग डालेंगे और कहां डालेंगे ये आपको सोचना है, इसके लिए आपकी प्रैक्टिस एक अलग से होनी चाहिए। देखिए कहां टंगिंग डालने से मुझे जैसा अच्छा लगेगा उसी से डालेंगे। ठीक है चलिए बजाते हैं। दो बार बजाना है पग 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 पग
गारे गारे मिक्स पा 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 गारे गारे ला सा पा 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 da da pa la pa la pa da pa da pa da 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 सारे गा रे गा पा रे गा पा ता गा ता ता गा ता गा ता 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 गा ता गा ता 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 गा ता गा ता 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 गा ता गा रे गा रे गा 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 पा ता गा ता गा रे गा रे गा 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 पा ता गा ता गा ता गा ता गा ता गा ता गा ता ता गा ता गा ता गा ता गा ता गा ता गा ता एक और बार हा पा रे गा सा रे गा Very good. फ्रेज क्या है देखिए सा पा द ग प रे ग स ग ध ग प द ग ध ग ग त ग ध ग ध ग ध ग द एक में टंगिंग है एक में नहीं है पहले में है दूसरे में नहीं है सॉरी पहले में नहीं दूसरे में फोर Taga 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 da taga 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 da taga 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 da Thank you.
सारे 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 दा सा सारे 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 इसमें देखिए इसमें आ गया ये कैटेगरी में आ गया टू थ्री फोर सारे 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 देखिए एक मात्रा में सारे सारे चार स्वर आए ना तो सा पे एक टुकू आएगा रे पे एक टुकू आएगा इस तरीके से सारे 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 द सा टुकु 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 एक एक करके बजाओ इसमें क्या हो रहा है ताका 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 ये कैटेगरी में पड़ रहा है दो दो टुकू ले गया है ना हमको चाहिए टू थ्री फोर ताका 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 दाना पहले विदाउट विदाउट टंगिंग विदाउट टंगिंग फिंगरिंग मूवमेंट देखिए क्या होगा थ्री टू थ्री फोर ये फिंगरिंग है थ्री फोर टू थ्री फोर हाँ दस टाके 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 दस टाके 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 आप जो बजा रहे हैं उसमें दो टुकू जा रहा है सा के ऊपर ये हो रहा है ये नहीं इसका डबल सारे 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 सा सारे 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 तो इसमें चौगुन जब आप बजाने लगेंगे एक मात्रा में जब चार स्वर आने लगेंगे तब हम इस कैटेगरी में टंगिंग की जरूरत पड़ेगी मान लीजिए मैं बजा रहा हूं धसारे सा धसारे सा धसा गई धसारे सा एक मात्रा में चार स्वर आए तो एक स्वर पे एक एक टुकू मिलेगा हमको टू थ्री फोर आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है आप ऐसे फ्रेज बनाइए जिसमें एक मात्रा में चार स्वर हो और हो सके तो रिपीटेशन हो क्योंकि अलग अलग दिशा में भागेंगे तो आपका ध्यान उसमें रहेगा टंगिंग नहीं दे पाओगे है ना नॉर्मल चार स्वर लेके उसी को तीन मात्रा या चार मात्रा घुमाइए फॉर एग्जाम्पल गरे सारे टू थ्री फोर गरे सारे गरे सारे गरे सारे गे हो गया चौगुन में आखिरी मात्रा में एक ही स्वर है बाकी सब में चार मात्रा इस तरीके से अलंकार ले लीजिए जैसे कि गरे सारे है तो गरे सारे रे सा द सा सा द प द प गरे सारे रे सा द सा सा द प द प सिंपल चीज है फिर आप उसको चारों मात्रा अभी हम क्या कर रहे हैं कि तीन में बजा रहे एक सिंगल रख रहे हैं अब उसमें भी जोगुन कर दीजिए गरे सारे रे सा द सा सा द प द प गरे ग गरे सारे रे सा द सा सा द प द ध प ग प ये होगा टू थ्री फोर ओके सो ये चीजें एकदम सिंपल है आपको चौगुन को अलग से बजाते आना चाहिए टंगिंग को आपको अलग से सिंक कराते आना चाहिए और फिर आप उसको एक्स्ट्रा बजाते तो बजाएंगे
गगरे सा सा द प प ग हमने क्या किया, पहले एक मात्रा में एक स्वर बजाया, ग रे, सॉरी ग रे ह द प ग रे सा, तो हर एक स्वर को चार टुकु मिलेगा, टू थ्री फोर। रे सा ग रे सा द प ग रे। अभी डबल करने के लिए थ्री फोर, टू थ्री फोर। ग ग रे रे सा सा द ध प प ग ग रे रे सा सब पे दो टुकु आया है ना, टुकु 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 टेम्पो टगा 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 टगा। अभी चौगुन करना है, तो चौगुन करना है तो आपके पास ऐसा फ्रेज है जिसमें एक मात्रा में चार स्वर आए। ओके, सो यू टेक वन टू थ्री फोर। वन टू थ्री फोर अलंकार को आप ग से रिवर्स में बजाइए तो क्या होगा, ग रे सा ग रे सा ध प सा ध प ग ध प ग रे। ओके, ध प ग रे को स्पीक ये स्किप करके सीधा प ग रे सा बजा दो, सा पे पहुंचना, तो ग रे सा ध प सा ध प ग प ग रे सा। ओके, देखिए विदाउट संगीत बजाता हूं। रे सा द रे सा द प सा द प ग प ग रे सा ग रे सा द प सा द प ग। फ्रेज समझ में आया, ग रे सा द प ग प ग रे सा। ओके, मैं यहां लिख देता हूं। रे सा ध प सा ध प ग प ग रे सा रे सा ध रे सा ध प सा ध प ग प ग रे सा रे सा रे सा ध प सा ध प ग रे सा ध रे सा ध प सा ध प ग प। अभी इसमें टैंकिंग देना, इसमें टैंकिंग देने से एक स्वर पर एक टुकु आएगा। ओके, रे सा द रे सा द प सा द प ग प ग रे सा।
बाद अभी इसको एंड करने के लिए वी नीड तिहाई, ठीक है। तो तिहाई क्या होती है, ऐसी जो चीज जिसको तीन बार रिपीट करके आप वापस एक पर आ जाओ, एक पहली मात्रा पर आ जाओ, होता है तिहाई, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल बड़ा सिंपल तिहाई देखिए, सबने सुना है, बचपन से रट्टा मार के रखा है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है, बट इसके अलावा और कुछ भी ट्राई करिए कि जो तीन बार घूम के पहली मात्रा पर आके आपको फिनिशिंग दे, ठीक है। ठीक है, टू थ्री फोर, ये ऑफ बीट है, थ्री फोर, ग प द सा सा, ग प द सा सा, ग प द सा, बात वही है, तीन बार घूमते सम पर आ गए, है ना। इसका हमने फ्रैक्शन वही रखा, स्वर चेंज कर दिए, टू थ्री फोर, ग प द सा, ग प द सा, प ग रे सा, गप जैसा चीजा ऊपर जा रहा था उसको हम उसको नीचे मोड़ देंगे। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब जितनी चाहे इतनी तिहाइयां इसमें बन सकती है। मेन है कि आपको लास्ट जब खत्म करना है उसको, तो इसको चौगुन तक लेके आना पड़ेगा। ये वाला फ्रैक्शन में जब आएंगे, एक मात्रा में जब एक स्वर बज्य लगेगा, तब आप इसको फिर तिहाई मार के खत्म करेंगे। यहां तक भी होके होता है, लेकिन यहां आने से वो थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाएगा, तो फिर सुनने में अच्छा लगता है और खत्म होगा, ठीक है। सो टेक्निकली आपको टंगिंग का प्रैक्टिस करना है, और उसी को आप जोड़ में बजाते हैं, दैट बिकम्स जाला। लेकिन टंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, सपाट का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसमें हम सिंगल डबल चौगुन बजाने से सीखते हैं, और अलग से टुकु टुकु बोलने का प्रैक्टिस करना है ना। सो इससे टंगिंग हो गया, उस पर फिर जाला, जोड़ में आप टंगिंग बजा दो तो वो जाला हो जाए। इतने करते करते 5-10 साल लगेंगे, ठीक है। बट कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई चीज सुनते हैं ना, तो आपको तो ऐसा लगता है भाई ये पूरा क्या कैसे बचता होगा, कुछ समझ में नहीं आता, है ना। तो मैं आपको उसकी बेसिक चीजों को बताता हूँ, कि उसके लेयर समझा रहा हूँ कि भाई देखिए इसके नीचे ये, इसके नीचे, इसके नीचे ये। बाकी कोई चीज सुन के आपको ऐसा लगे लगे भाई ये असंभव है ना, उसके लेयर्स पता होने चाहिए कि भाई ये जो अभी जो सुना जा रहा है वो जाला है, उसमें टंगिंग एक प्रैक्टिस होती है, जोड़ एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। जोड़ के लिए आपको आलाप करना पड़ेगा, आलाप के लिए आपको राग करना पड़ेगा, ठीक है। टंगिंग के लिए आपको सपाट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टुकु टुकु प्रैक्टिस। अब इन सबको बिला दो, ये बज रहा है जो बज रहा है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बस देखने की कोशिश करिए, वो तो सालों साल लगेगा लगेगा, इसे वो कोई 5 साल में भी हो जाएगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन वो लेयर्स हमको पता होना चाहिए उसके, सब लेयर्स के भाई ये है इसके ऊपर ये बिल्डिंग पूरा बना है, ठीक है। ये एक तो संभल नहीं रहा, दूसरा क्या संभल है। और जब भी आप राग बजाओ ना, इस सभी मॉड्यूल में से होके जाओ, बजे ना बजे वो 2 नंबर की बात है ना। आपको आलाप भी प्रैक्टिस करना है, आपको जोड़ भी प्रैक्टिस करना है, जाला भी प्रैक्टिस करना है ना। वो उसको बजाने की कोशिश करेंगे तो उसको सीखने की जो है वो मनसा आपकी बनेगी, हाँ। हमेशा जब भी बजाओगे, ऐसा नहीं कि भाई एक दिन में सब बजा दो, लेकिन आज आप आलाप कर रहे हो, आपको लगता है मुझे 2 दिन आलाप करना, ठीक है, फिर 2 दिन जोड़ भी करो, फिर 1 दिन जाला भी करो ना। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन आलाप किया, जोड़ किया, राग चेंज, ठीक है, अभी कुछ और किसी और में करेंगे ना। उसको स्किप मत करो, स्किप करोगे तो वो कभी नहीं आएगा, है ना। So, ध्रुपद है, उसी में जोड़ जाला होता है, जो ख्याल होता है ना उसमें क्या होता है, छोटा सा आलाप होता है, उसके बाद सीधा कंपोजिशन आता है, विच इज स्लो टेम्पो कंपोजिशन, जैसे 30 BPM 40 BPM के आसपास होता है वो। उसमें आप कंपोजिशन गाएंगे, मतलब जो भी बजाएंगे, और उसके थ्रू आप आलाप करेंगे, मतलब आलापतान जैसा हो जाएगा वो, ओके। और फिर वो जब खत्म होगा, उसके बाद आप डायरेक्टली कंपोजिशन में जाएंगे, मतलब मध्यले कंपोजिशन में जाएंगे, जो जिसमें अभी हम जा रहे हैं, ओके। सो क्योंकि वो जोड़ जाला नहीं करते हैं, इसलिए डायरेक्टली मध्यले कंपोजिशन में जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन वो पूरा एकदम सीधा उठते ही भागने जैसा हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा उनको भी आलाप की जरूरत है सब करने की, इसलिए वो विलंबित टेम्पो में पहले आलाप करते हैं, या थोड़ा तान भी होता है उसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आलाप ही होता है, तान भी होता है, बट वो टेम्पो स्लो होता है।
उसके बाद फिर वो मध्यलय कंपोजिशन में जाते हैं, तो वहां से हम और वो एक हो गए, हमने पूरा आलाप किया, जोड़ किया, झाला किया, इसलिए हमको विलंबित बजाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली मध्यलय कंपोजिशन में जाते हैं। पहले यही बचता था, उसके बाद जब लोगों को लगा कि भाई स्टेज पे तो दो कलाकार बैठे हैं, मेन आर्टिस्ट भी है साथ में तबला प्लेयर भी है, उनका काम सिर्फ 10 मिनट के लिए, हम पूरा पेमेंट तो हम पूरा देते हैं उनको, ऐसा थोड़ी चलता है। तो इसलिए बोला इनको पैसा दे रहे, इनको बोलो आगे से बजाए, अभी आलाप नहीं, आलाप में भी बजाए चलेगा उनको। तो उससे आलाप दान हो गया, जोड़ में भी बजा तो जोड़ दान हो गया, ऐसी बात है, ठीक है, जबरदस्ती बजवाना ही है आगे से तो क्या करें। तो फिर इसलिए वो ध्रुपद पैटर्न ही चली गई है ना, अभी ऐसा ही है कि भाई थोड़ा सा आलाप गाया कि तबला का वो धा करके शुरू होगा उनका, फिर वो धा करके चाय पी के आएगा, फिर दूसरी मात्रा बजाएगा, इतना स्लो टेम्पो है उनका, लेकिन चाहिए फिर भी इस तरीके से। मतलब लोगों का जैसे क्या, अभी ये सबको समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए लोगों का भी म्यूजिकलिटी चाहिए, वो तो नहीं है, है ना, उनको तो अभी है कि भाई हम आए अब, अभी आप हमको एंटरटेन करो, ठीक है। तो अभी जितना भी स्टेज पे है, जो ग्रीन स्टेज ग्रीन रूम में, उनको भी बुलाओ, यहाँ पे बिठाओ स्टेज पे, सबको जो भी हाथ में मंजीरा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब बजाएंगे, अभी राग में नहीं होता ये सब। हाँ, तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए वो फैक्टर ऑफ एकम्प्लीमेंट बढ़ते जाते हैं, है ना, मिनिमम एकम्प्लीमेंट है तानपुरा कि वो चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। और ताल ऐसी चीज है कि हाँ, जहाँ कंपोजिशन है वहाँ चाहिए, लेकिन उसके बगैर भी हम तो देखा ना, जोड़ जाला में हम खुद से लय रख सकते हैं, तो वहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए वो तबला आगे आगे आके आते आते, अभी अभी उनके बिना होता ही नहीं, परफॉर्मेंस ही नहीं होगा। आपको अगर वोकल गाना है या क्लास करना है ख्याल में, बिना तबला के कुछ नहीं होगा, ध्रुपद में हो जाएगा, अभी भी बजा देते लोग। पहले जमाने में जो शेष होते थे वो आए अपने हिसाब से बजाए, अभी तबला वाला बैठा है वो क्या वो बजा पाया या नहीं पाया कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। कोई कोई ऐसा है कि ऐसा कॉम्पिटिशन बजाए तबला वाला और सम पकड़ ही नहीं पाया, तो वो ऐसे ही बैठा रहा, वो बजा के चले गए, मतलब ऐसा ये था कि वो वन मैन आर्मी थे, ऐसा ये किया। हाँ, वन मैन आर्मी थे इस तरीके से। तो मतलब अभी ऐसा है कि तबला प्लेयर होना चाहिए, उससे और अच्छा लगता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप वो भी फैक्टर रखिए, लेकिन आपको सोलो में भी करते आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि लेट हो गया कोई या कुछ ऐसा हो गया, तो आप क्या प्रोग्राम नहीं करेंगे क्या? प्रोग्राम तो करना है, आलाप जोड़ जला करके कर सकते। गुरु जी का प्रोग्राम था अमेरिका में, जाकिर हुसैन तबला पे थे, ठीक है, अभी वहाँ पे जैसा सोविक जी कह रहे थे ना, ये मंजीत जी, कि भाई हो गया, अभी इससे ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकता, तो अमेरिकन लोगों का भी ऐसा ही है, 40-45 मिनट मतलब इससे तो उनका नाक में दम हो गया, अभी नहीं बैठेंगे, तो उनको ब्रेक दिया 40 कि भाई आप थोड़ा सा घूम लीजिए, फिर हम आगे अभी कभी कंपोजिशन बजाएंगे। तो आलाप जो डाला के बाद जब गैप दिया, तो लोगों ने बोला कि आपने अभी जो बजाया ना, ऐसा ही हमको फिर से वापस सुनना है ना, अभी तबला चाहिए नहीं उनको कंपोजिशन, अभी तबला पे जाकिर हुसैन है। तो फिर जाकिर हुसैन जी ने तानपुरा बजाया उस प्रोग्राम में, अभी आया हूँ तो कुछ तो बजाऊंगा करके ना। तो ऐसा भी चीज़ है कि अगर इंसान में दम है या वो म्यूजिकलिटी है, तो बिना ताल वाद्य के भी परफॉर्मेंस हो सकता है। आलाप जोड़ डाला इसी का, जोड़ डाला उसी का है, उन्होंने तानपुरा बजाया। उनकी उनकी बुक में लिखा है, गुरु जी की जो एक वुड विंड्स ऑफ चेंज करके सुरजीत सरकार ने ऐसा कुछ लिखा है, उनकी बुक है, सुरजीत सिंह ने ऐसा कुछ नाम है उसमें लिखा है। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपकी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंसी है तो सिर्फ तानपुरे पे, बस तानपुरा चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। चलिए चाय आ गया, फिर अभी कंपोजिशन जाएंगे, वो सर को भी बुला लेते हैं। जो ब्रुक्स स्टूडेंट नहीं है, मतलब अभी जो कौन सा राग पे बजाएंगे कंपोजिशन बताइए, कौन से ताल में बजाएंगे? हाँ कोमल सरोवर, चाय पी लीजिए फिर कर देते। तो कोमल स्वर में क्या होता है ना, एक स्वर एक टाइम पे एक ही स्वर लीजिए, ठीक है, और भाई हमारे पास अलग अलग राग है, आप उसके थ्रू भी उस कोमल स्वरों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सिर्फ कोमल ध है ना, कोमल ध किसमें आता है? नट भैरव, सभी स्वर शुद्ध है, खाली ध कोमल, तो आप उस राग का स्केल प्रैक्टिस करिए, उस राग का आलाप प्रैक्टिस करिए, तो उनसे आपकी कोमल स्वर एक्चुअली प्रैक्टिस करने के लिए ना, जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए,
मान लीजिए कि कोई बोल रहा है मेरा म नहीं लग रहा, ओके, तो क्यों नहीं लग रहा है, ज्यादा क्यों खुल जा रहा है, क्योंकि उनको म का स्थान पता नहीं, फ्रीक्वेंसी, तो म को लगाने के लिए जैसे हमको म सारे का म, ये उसकी ब्रेक है, यहाँ पे आपको उससे ऊपर नहीं जाना फ्रीक्वेंसी पॉइंट की भी, तो वो आपका जब आएगा कोमल स्वर को लेके, तो आपका भी वो उंगली बराबर उस जगह पे जाकर रुकेगा, तो उसके लिए आपको मेलोडिक स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कोई फिल्म का गाना बजाओ जिसमें कोमल देवत आता है, तो आपको वो आवाज पहले से दिमाग में होगा कि भाई ये आवाज हमको चाहिए, आप सीधा टेक्निकली कोमल ध बजाओगे तो वो कोमल ध है या शुद्ध ध आपको तो कुछ पता नहीं, तानपुरे में भी कोमल देवत लगा सकते हैं, तो इसका रीजन ये है कि हमको क्या चाहिए वो हमारे दिमाग में नहीं है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी दिमाग में नहीं है, बस नाम है कोमल ध जी, पर वो कैसा सुनाई देता है उसको हमको पहले से पता होना चाहिए, आइदर आप कोई गाना के थ्रू जाइए या ऐसे राग के थ्रू जाइए जिसमें वो कोमल स्वर यूज होता है, तो दिमाग में अपने आप को ब्रेक लगेगा कि हाँ यहाँ पे इतना उंगली खोलने से जो चाहिए वो स्वर मिल गया, जनरेट हो गया हमारा। पापा आप लगता है कि अभी भगवान कैटेगरी में जा रहे हैं धीरे धीरे। अरे संकट आगे आगे कैसे आपको इतना मिस किया अरे नहीं नहीं ये लेंगे वैसे भी बोल करता हूँ ऊपर से लेके आता हूँ एक भी सारे रुके हो चेयर आओ तो चेयर लेके करेंगे रूपाली में छोटा आलाप फिर कंपोजिशन Thank you.
Thank you.
का स्ट्रक्चर है राग का, सा रे ग प ध सा, म नहीं है, नी नहीं है। और क्या क्या इसमें खास है? ग रे ध सा, ध समवादी है तो उसमें रुक के फिर से आ जाते हैं। और दूसरा इसका पकड़ है, नीचे ध पे रुकना है, ऊपर ग पे रुकना। बाकी आप जहां पे भी बजाएंगे इस तरफ दो दिशा में रहेगा ध और ग पे, तो बराबर ऊपर जैसा लगेगा। तो नाउ हम बजाएंगे इसमें कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है कि आप चीजों को जब ताल में बजाएं, स्पेसिफिकली ताल 16 मात्रा का हो सकता है, 7 मात्रा का हो सकता है, 8 9 मात्रा का हो सकता है। तो ताल है साइकिल, जैसे जोड़ में 4 मात्रा का साइकिल होता है 1 2 3 4, जैसे आप अलग अलग साइकिल के लिए अलग अलग ताल, 16 मात्रा के लिए दिन ताल है, 7 के लिए रूपक है, 10 के लिए जप ताल है। तो आपको बेसिकली एक लाइन चाहिए, एक मेलोडिक स्ट्रक्चर चाहिए, जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन, बंदिश। उसके दो नाम है, एक है बंदिश एक है गट। बंदिश जब उसकी लिरिक्स होती है, तो यहाँ पर आप स्वरों को नहीं गा रहे, आप उसके शब्दों को गा रहे। लेकिन जब आप बोलेंगे कि भाई द प रे सा ग ग रे ग प ग सा, अभी यहाँ पे पोएट्री नहीं, सिर्फ नोट्स है। तो मोस्टली इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, सिर्फ नोट्स होते हैं। आप जब पोएट्री वोकलिस्ट होते हैं तो जरूरत है, और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है तो उसको जरूरत नहीं पोएट्री, क्योंकि वो तो शब्द तो आएंगे नहीं। तो गद बोलेंगे कि कंपोजिशन बोलेंगे कि बंदी, सब एक ही चीज। तो हमको एक लाइन चाहिए जिसके ऊपर हम फिर इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो वो लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका फ्रेज कैसा है। जैसे मेरे पास ये फ्रेज है, तो जो ग पे जो वेटेज है उसकी डिमांड है कि भाई ये ऐसी जगह पर होना चाहिए ताल में जहाँ पे सबसे ज्यादा ताल में वेटेज आता हो। तो ताल में सबसे वेटेज आता है पहली मात्रा, जिसे हम कहते हैं सम, और सभी ताल की पहली मात्रा रूपक को जोड़ दिया जाएगा, तो वो सम। तो आपको फ्रेज जो आपने बनाया वो सम पर आए, उस फ्रेज का मेन पर सम पर आए, उस तरीके से उस फ्रेज को उठाना। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ध प रे सा ग। तो अलग अलग कंपोजिशन उसके फ्रेज के हिसाब से अलग जगह से शुरू हो सकती है। आपको देखना है कि भाई सम पर क्या आएगा, उसके आगे कितनी चीजें है, अकॉर्डिंगली हम उसको लेकर आते हैं। देखिए
बिल्कुल बिजी आ चुके हैं। ये कंपोजिशन है सा
वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, इतना टाइम है हमारे पास, है ना, वन टू थ्री फोर वन टू। आप चाहे एक ही स्वर बजाइए, thank you.
दो आवर्तन। वेरी गुड। आलाप करना है।
रख दिया, फिर वापिस आलाप मोड़ दिया। करना लेकिन जब सम आती है तो उसको दिखा के फिर वापिस आलाप में चले जाएंगे। हर सम में नहीं दिखा सकते लेकिन जहां पे भी मन करता है आ रहा है दिखा के फिर जाएगा। या दो आवर्तन उसमें आप
बहुत कम समय में वापस कंपोजिशन को पकड़ लेते हैं, इसलिए उस तान को कहते हैं शॉर्ट तान, छोटी तान। ठीक है, उसका दायरा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 आवर तक, उससे ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आलाप तान, जिसमें आप थोड़ा और लंबा 3 आवर्तन 4 आवर्तन 5 आवर्तन तक लीजिए। जब तक बजाएंगे आलाप में बजाएंगे, मतलब बीट से फ्री हो गए, लेकिन जब कंपोजिशन में आएंगे तो वो बराबर कंपोजिशन जहाँ पर शुरू होती है वहाँ तक आना। तो अभी जाके इन दोनों का मिश्रण कि आप टाइम भी लीजिए लेकिन बीट पे बजा के फिर कंपोजिशन करवाइए, तो वो हो जाता है जोड़ तान। तो जोड़ तान मतलब यहाँ पर आपका जोड़ जो है या यहाँ पे आपका जो साइकिल है 16 मात्रा का, या तो आप पूरा 16 पकड़िए या तो 8-8 पकड़िए। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगता है, 8-8 लगता है तो 8-8 पकड़िए, 16 लगता है 16 लगता है। स्वरों को बांध के रखिए भाई, तीन ही स्वर, सा धा पा, इससे आगे नहीं जाना है। उसमें आप बजाइए गैप लीजिए, बजाइए गैप लीजिए, एंड फिर जब आगे जाना है तो कंपोजिशन बजा के फिर आपको रे और ड का काम होता है। आगे जाके हम बीच में से शुरू करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे आपका फ्रेश शुरू होगा, यहाँ पे फ्रेश आपका खत्म। ठीक है, ग का काम दिखा दो, और
भी काम है वो हमारा साइकिल के हिसाब से चल रहा है। फिर आगे जाके आप देखेंगे इसको और कहीं से शुरू करके देखेंगे। अभी तक हमने जो बजाया वो या तो सिंगल में या डबल में या चौगुन में चल रहा है ना, एक एक दो या चार में, फिर आप तीन कर सकते हैं। इसमें सिंपल लयकारी है ऑफ बीट, इसको छोड़ दीजिए, जस्ट उसके बाद ऑफ बीट मतलब वो एक्चुअली आफ्टर बीट उसका सही नाम है, तो छोड़ के आपको बजाएं जस्ट आफ्टर द बीट, जैसे द रे सा ध प ग रे सा ध प ग रे सा द प ग ध रे सा द रे सा द पद सा सा पद सा सा पद सा ग रे सा द रे सा ध प ग ध रे सा द सा। जो क्या है लय कारी में से आता है एक मात्रा में तीन, छह गुण हो जाएगा है ना, फ्री में हो जाएगा, इसका डबल करना है बस।
चलगा पर लाइन आपको वहां तक काम देगी, इसका रेंज वहां तक है। इससे आगे जाना है ये इससे करना है उसके उसको चाहिए अंतरा। ये हमने जो काम किया वो मंत्र सप्तक मध्य सप्तक ज्यादा काम किया। इससे आगे जाने के लिए हमको चाहिए तार सप्तक का। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे सर ने बजाया उन्होंने देखे वही इम्प्रोवाइजेशन किया जो मैंने किया है ना। तो ज्यादातर हमारा ज्यादातर लोगों का सवाल ये होता है कि जब तबला पे इम्प्रोवाइज करते हैं तो हमको कैसे पकड़ के रखते हैं। मैंने कहा वो वही करते जो हम करते हैं जी। तो उन्होंने वही बजाया जो मैंने बजाया। इस तरीके फिर उसके बाद आपका टेम्पो बढ़ेगा अंतरा में जाने के। समझ गए टेम्पो बढ़ाना, हमने बोला नहीं इसलिए समझ गए। अंतरा कर लाए मानो मुझे टेम्पो कम लग रहा है, मुझे उनको बोलना है मानो कि अभी ये टेम्पो चल रहा है, अभी ये भी मुझे कम लग रहा है, तो मैं उनको कैसे इशारा करूंगा। देखो हो गया, बनाना तो ऐसे ही बढ़ गया। Oh.
प्याला पे आराम किया, खत्म किया, क्या आराम फाइनल था, जैसे जिसे कहते हैं लॉन्ग था, तो स्थाई था, हमने उसमें
ये बजाया आपने ये लोअर ऑक्टेव मिडल ऑक्टेव, उसके बाद फिर अंतरा गए टेम्पो बढ़ा के, उसमें हमने बजाया तार सबसे हायर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव से वापस आके वापस मिडल ऑक्टेव के ऊपर, अभी इसको फिनिशिंग देना, तो इसके बाद फिर से इसका एक टेम्पो बढ़ेगा। अभी जैसे अभी हम बजा रहे थे ये वाला टेम्पो, इसे बढ़ा के लॉन्ग था, आलाप भी हो सकता है, वो जोरदार भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बीट पे मल्टीप्लिकेशन होता है, पांच होना चाहिए। खत्म नहीं होती, तान बढ़ती जाती, अभी इसमें और नोट बढ़ेगा। तो सब चीजें आसान, आपको लय को पकड़ के रखना है, थोड़ा सा संगति दिमाग में, फ्रेजिंग अच्छे बनने चाहिए, कहाँ पे आप कितना चीज रिपीट करेंगे, कहाँ पे इम्प्रूवाइज करेंगे, उसको पकड़ के रखना है। बाकी तो यही हमारे सारथी है, वही हमको जाने नहीं देंगे कहीं पे इधर उधर गए भी, ये हमारी सहायकता के लिए ही है। देखो मैं इनको तब से जानता हूँ जब से आप इनको जानते हैं, हमने कभी प्रैक्टिस तो की नहीं साथ में। क्लासिकल म्यूजिक में यही होता है कि मूर्ति अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है, हमको हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है कि जब पहली बार भी मिले तो लगे कि भाई ये तो दो सालों से जानते हैं, कुछ नहीं तो कुछ कहना नहीं पड़ता सब चीज़ें। और इसमें हमने टंगिंग अभी तक नहीं बजाया, हमने आराम का किया, जोर का किया, इसमें नहीं बजाया, हालांकि बजाना मैंडेटरी नहीं है कंपोजिशन। अगर हमारे पास समय है या आपको लगता है कि अभी मुझे वो चीज़ भी दिखानी टंगिंग वाली, तो
तो दो ऑप्शन है, या तो ये जो कंपोजिशन चल रहा था उसका और टेम्पो बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर जैसे अब इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट करके फिर पूरा नया कंपोजिशन बजेगा, फिर उसमें जाके हम उसमें संगीत दिखाते हैं। अभी करेंगे ना, लंच करना है। तो अभी जो लास्ट टेम्पो था दस ये अराउंड होगा कुछ 220 आसपास होगा या 200 आसपास होगा। अभी हमको चाहिए धा दिन दिन धा दिन दिन धा ता दिन, तो कंपोजिशन हमको पहले से इस हिसाब से बनाना पड़ेगा। से शुरू होता है जरे का जैसा जैसा रे सादे बजे का दब है रे दब, ये दूसरा सम है ना। तो पहले में जो सम है उसमें सम वाला फैक्टर नहीं, वो तो शुरू होता है, दूसरी जब सम आती है तो लगता है कि हाँ ये सम है दा दे। और भी कंपोजिशन बना सकते हैं, डायरेक्टली टैंकिंग नहीं की जाती, थोड़ा तो आपको काम जो है वो इसके स्लाइडिंग के थ्रू ही पहले दिखाना, फिर बाद में जाकर टैंकिंग दिखाना। Thank you.
सब मिला के एक ही है, आधा जोड़ जाना, वही हमने बजाया है, फिर सब लाके सब बजाया। ये सबसे बड़ा रास्ता।